बहुत ही प्यारे बच्चों, आपां तुहाडे नाल एक बहुत सोहना पाठ सांझा करांगे जिसका नाम है रूपनगर। ये तुहाडी पाठ पुस्तक दे विच पाठ नंबर 7 दे तौर ते दर्ज है बच्चो। तो रूपनगर दा आपां नूं पता भी पुराना नाम रोपड़ है, तो बड़ा इतिहासिक शहर है। चलो फिर आपां जानकारी लैने इस शहर बारे। रूपनगर पंजाब का एक पुराना शहर है। अमृतसर, जलंधर, पटियाला, फरीदकोट जिहे होर कई शहर भी पुराने भाव देर तो वसे हुए हैं, पर पुराने शहर का इतिहास हुंदा है। इस पाठ विच अगे असी वेखांगे कि रूपनगर का भी इतिहास है। चंडीगढ़ और साहिबजादा अजीत सिंह नगर नवे वसे शहर दीआं उदाहरणां हन। उंज अजकल पुराने शहर के भी कई नवे इलाके हुंदे हन, इस करके पुराने शहर पुराने अते नवे दा सुमेल दिसदे हन। रूपनगर दा पहला नाम रोपड़ सी। 16 नवंबर 1976 नूं इस शहर अते ज़िले दा नाम रोपड़ तो रूपनगर कर दिता गया। उदों ज्ञानी जैल सिंह पंजाब दे मुख्यमंत्री सन। यह शहर शिवालिक दीआं पहाड़ियां दे पैरां विच वसिया होया है। सतलुज दरिया इस दे कोलों वहिंदा है। इस दरिया विचों कढ़ी गई सरहंद नहर भी इत्थों ही वहना आरंभ करती है। बिस्त दुआब नां दी एक होर नहर दरिया के दूजे किनारे तो कढ़ी गई है। दुआबे के कुछ भागों नूं इसका पानी जाता है। नंगल भाखड़ा डैम तो कढ़ी गई भाखड़ा नहर भी रूपनगर के कोलों लंघती है। रूपनगर विखे सतलुज दरिया के पानी नूं लोड़ अनुसार नहरां विच भेजण लई हेडवर्कस बनाया गया है। इस हेडवर्कस के उपरले पासे सतलुज दरिया एक वड्डी झील वांग दिखता है। इत्थे दरिया दे शहर वल दे कंडे उत्ते सैर सपाटे लई थां बना दित्ती गई है। इस प्रकार ये शहर कुदरती दृश्यां नाल भरपूर है। इस तो जापदा है कि इस शहर का नवा नाम रूपनगर इसकी सुंदरता कारण बड़ा ढुकवां है। अजोके पंजाब दे 22 ज़िले हन, इन्हां विचों एक रूपनगर है। इस पाठ विच असी रूपनगर शहर की गल करांगे। यह शहर आबादी पक्षों वड्डा नहीं है, इसकी महत्ता नूं वेखदिआं बेशक यह वड्डा अखवाउण दा अधिकारी है, पर इस शहर की पुरातनता नूं वेखो। इत्थे खुदाई करन ते हड़प्पा ते मोहेंजोदड़ो सभ्यता नाल संबंधित सिक्के, बर्तन अते मूर्तियां प्राप्त होईआं। वर्तमान पंजाब विच संघोल मतलब उच्चा पिंड अते रूपनगर दो ही स्थान हन जिथे खुदाई करन नाल पुरानी सभ्यता दे चिन्ह मिलदे हन। उंजे शहर दा राजा रुकेशर ने 11वीं सदी विच वसाया दस्या जांदा है। उसने इसका नाम अपने पुत्र सेन दे नां ते रख्या। सिखां दे 6वें गुरु जी तो लैके 10वें गुरु जी तक कीर्तपुर साहिब अते आनंदपुर साहिब सिक्खी दे केंद्र रहे हन। 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की चरण छूह विशेष तौर पर इस धरती को प्राप्त हुई है। आनंदपुर साहिब का किला छड्डण उपरंत गुरु जी ने रूपनगर तो 2 किलोमीटर के पेंदे पिंड कोटला नहंक दे भट्ठे उत्ते विश्राम किया। इसे याद विच इत्थे भट्ठा साहिब नाँ का गुरद्वारा साहिब है। हुण इस स्थान अते रूपनगर शहर के विचकार कोई फासला नहीं रह गया। यह इतिहासिक स्थान रूपनगर का ही भाग है। 1831 ईस्वी विच महाराजा रणजीत सिंह अते अंग्रेज़ गवर्नर जनरल लार्ड विलियम बेंटिंग विचकार इतिहासिक संधि इसे शहर विच सतलुज के कंडे ते हुई सी। इस संधि अनुसार अंग्रेज़ ने सतलुज पार दे महाराजा रणजीत सिंह दे इलाके विच पैर नहीं पाउणा सी। इसे तरह महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज दी इस पासे दी हद सतलुज दरिया तक मन्नी सी। इस प्रकार संधि पंजाब दे ही नहीं सगो भारत दे इतिहास विच भी विशेष स्थान रखती है। इस शहर आए यात्रु संधि वाली यादगार थान नूं वेखना पसंद करते हैं। पुनर्गठन तो पहला दे सांझे पंजाब विच रोपड़ ज़िला अंबाला दी केवल एक ही तहसील सी। पुनर्गठन पिछों अंबाला हरियाणा दा भाग बन गया। इस उपरंत रूपनगर पूरा ज़िला बन गया। इस तरह यह शहर अते ज़िला रूपनगर दे नां नाल जाणिया गया। रूपनगर पशुआं दी मंडी लई भी प्रसिद्ध है। किसे समय इत्थे बने जंदरे रोपड़ी ताले वजों मशहूर हुंदे सन।
हुण रूपनगर इत्थे स्थापित ताप बिजली घर अते दरिया पर लगे कई कारखानियां करके प्रसिद्ध है। विद्यक पक्षों यह शहर काफ़ी उन्नत है। इत्थों दा सरकारी कॉलेज पंजाब दीआं उघियां विद्यक संस्थावां विच गिणिया जांदा है। इस तो इलावा बहुत सारे स्कूल अते तकनीकी संस्थावां भी इस शहर विच हन। बस अड्डे दे नेड़े नहरू स्टेडियम है जिथे कई तरह दीआं खेडां करवाईआं जांदीआं हन। चंडीगढ़ तो जलंधर जाना होवे जां हुशियारपुर पठानकोट अते डलहौजी तां इस शहर विचों लंघिया जांदा है। इन्ना ही नहीं, सैर सपाटे करन वालियां दी खास पसंद कुल्लू अते मनाली जाण लई वी रूपनगर विचों जाया जांदा है। संसार प्रसिद्ध भाखड़ा डैम अते उच्चे सिख धाम कीरतपुर साहिब अते आनंदपुर साहिब लई वी सड़क अते रेल मार्ग रूपनगर तो ही जांदा है। विसाखी अते होला महला दे जोड़ मेले समय रूपनगर विचों होके लंघदियां गड्डियां मोटरां अते होर वाहनां नाल भर जांदियां हन। नैणा देवी जाण वाले शरधालुआं दीआं वहीरां वी रूपनगर दी रौनक वधाउंदियां हन। तदे तां आखीदा है कि रूपनगर आवाजाई दा वड्डा केंद्र बिंदू है। देवतियां दी भूमि कहाउंदे हिमाचल प्रदेश नूं इक वड्डा राह रूपनगर चों लंघ के जांदा है। मोरिंडा, चमकौर साहिब, माछीवाड़ा आदि कई इतिहासिक स्थान रूपनगर तो थोड़े थोड़े फासले उत्ते हैं। पहला पुराना शहर सतलुज दरिया अते सरहंद विचकार बणदी तिकोण विच ही सी। हुण इस शहर का पसार इन्हां सीमावां तो पार भी होया है। ज्ञानी जैल सिंह नगर नवे ढंग नाल वसाया गया है। चंडीगढ़ दीआं इमारतां वांग रूपनगर विच होईआं नवीआं उसारियां ने इस शहर का मुहांदरा ही बदल दिता है। इस नाल इह शहर भी नवे अते पुराने का सुमेल बन गया है। ज़िला पद्धर के अनेक दफ्तर बन जाण नाल इस शहर की चंगी ठुक बन गई है। अजोके पंजाब के चार इलाके माझा, मालवा, दुआबा अते पुआध हन। माझे की पंजाबी उपभाषा माझी, दुआबे की दुआबी, मालवे की मलवई अते पुआध इलाके की उपभाषा पुआधी है। हैरानी की गल यह है कि रूपनगर नूं पंजाबी दीआं इन्हां तीन उपभाषा के इलाके छाउंदे हन। चंडीगढ़ तो रूपनगर जाइए तो पुआध का इलाका आउंदा है। सतलुज दरिया पार करदिआं ही सतलुज तो ब्यास के विचकार दा इलाका दुआबा आउंदा है। दुआबा शब्द का अर्थ है दो आप दो दरियावां विचाले पैंदी धरती। रोपड़ के दक्षण वल मालवा है। इस प्रकार रूपनगर पंजाबी दीआं तीन भाषावां दा संगम है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ इत्थों सिर्फ 42 किलोमीटर दूर है। चंडीगढ़ तो रूपनगर जाना होवे तां पुराने अड्डे उतरना पैंदा है पहला, फिर सरहंद नहर दे उत्ते बने पुल नूं पार करके पुराने शहर च आया जांदा है। अगों सज्जे मुड़िया जावे तां ज्ञानी जैल सिंह नगर पहुँच जाईदा है। खब्बे पासे सड़क सिविल हस्पताल अते बेला रोड उत्ते सरकारी सैकेंडरी स्कूल तक जाती है। पुल तो शहर के अंदर नूं जांदी सीधी सड़क मुख्य बाज़ार विचों हुंदी हुई सरकारी कॉलेज तक चली जाती है। शहर का अंदरला भाग पंजाब के सारे पुराने शहरां जिहा है। भीड़ियां गलियां, भीड़े बाज़ार अते भीड़ विच संभल संभल के लंघदे लोग। चंडीगढ़ विच फासले बहुत हन, कोई भी पैदल तुर के चंडीगढ़ नहीं वेख सकता। रूपनगर विच चाहे तुसीं पैदल घूमो, चाहे साइकिल उत्ते जां साइकिल रिक्शा उत्ते, कुछ भी दूर नहीं लगता। रूपनगर बारे बहुत कुछ दसण नूं है, पर इस संकेत पाठ विच सारा कुछ दसिया नहीं जा सकता। प्रसिद्ध साहित्यकार प्रोफेसर ब्रिज लाल शास्त्री अपनी उम्र के अंतले वरे रूपनगर विच ही रहे। उगे विद्वान प्रोफेसर अतर सिंह भी कदे इस शहर विच ही रहे हन। इसे तरह व्यंगकार भूषण ध्यानपुरी इस शहर के वसनीक रहे हन। यह बड़ा प्यारा शहर है। शिवालिक दीआं पहाड़ियां दे पैरां विच वसे इस शहर दीआं सिफतां उही जानण जिहड़े इस नूं कदे वेखण। वाकई बच्चो रूपनगर देखण योग है, तो जरूर तुसीं इस नूं देखण जायो। इत्थों दा वातावरण एक अलग ही दुनिया दे विच लैके जांदा है। चलो फिर हुण आपां अभ्यास करिए। जो तुहानूं पढ़ाया उस नाल संबंधित आपां तुहाडे तों प्रश्न उत्तर पुछदे हां। बच्चो, रूपनगर का पहला नाँ की सी, इसका वर्तमान नाँ कदों रख्या गया।
ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਰੂਪਨਗਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਬੱਚੋ ਰੂਪਨਗਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਰੋਪੜ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਨਾਂ 16 ਨਵੰਬਰ 1976 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? 16 ਨਵੰਬਰ 1976 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਬੱਚੋ ਰੂਪਨਗਰ ਕਿਹੜੇ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਰੂਪਨਗਰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਨੰਗਲ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਜੋ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਬੱਚੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਉਸਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਝੀਲ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਪਰ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਥਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੜੱਪਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਜਦੜੋ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿੱਕੇ, ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੰਧੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਪੜ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੰਧੀ 1831 ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੋ, ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਰੂਪਨਗਰ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਡਲਹੌਜ਼ੀ, ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ, ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਰਿੰਡਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਲਿਖੋ ਬੱਚਿਓ। ਰੂਪਨਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। 16 ਨਵੰਬਰ 1976 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਪੜ ਸੀ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੜੱਪਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਜਦੜੋ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿੱਕੇ, ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਰੁਕੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਪੁੱਤ? ਰਾਜਾ ਰੁਕੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਵਿਖੇ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹੈ। 1831 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁਆਧੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚੋ, ਇਕੱਲੇ ਪੁਆਧੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇਹ ਮਲਵਈ ਅਤੇ ਮਾਝੀ ਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪਨਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਝੀ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਦੁਆਬੀ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਮਲਵਈ, ਪੁਆਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੁਆਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੈ,
हैरानी की गल यह है कि तीन उपभाषा इस इलाके की बोलियां जांदियां हन। चंडीगढ़ तो रूपनगर नूं जाइए तो पुआध का इलाका आउंदा है। सतलुज दरिया के पार ही ते सतलुज मतलब ब्यास के विचकार दा दुआबा इत्थे आउंदा है। ठीक है ना, दुआबा की धरती कहा जाता दुआब नूं। बच्चों रोपड़ के दक्षण वाल मालवा है। इस प्रकार रूपनगर पंजाबी दीआं तीन भाषावां दा संगम है। ठीक है बच्चों, इन्ना पुराना ते विशाल इतिहास है रूपनगर दा। ते चलो फिर आपां औखे शब्दां दे अर्थ करिए। हैडवर्क्स ओ थां जिथों दरिया नूं बन्न ला के नहरां कढ़ियां होण, मतलब सतलुज दरिया नूं बन्न ला के नहरां कढ़ियां ने। संधि की हुंदा बच्चों? समझौता, सुलानामा। सुमेल चंगा मेल, सुजोड़। भूमि जमीन धरती। सिता गुण वड्याई उस्तत शलागा। वाहन सवारी करने लई कोई गड्डी। वाकां विच वरतो बच्चों। जोड़ मेला आपां की कहने आ, वी जोड़ मेला तुसीं बहुत सुनिया सुनिया लगता होगा वी जोड़ मेला हुंदा की है बच्चों, है ना। ते आपां धार्मिक त्यौहार है जां समागम विच हिस्सा लैण लई लोकां दा जो इकट्ठ हुंदा उहनूं कहा जांदा है। बहुत सारे लोग होले महल्ले के जोड़ मेले विच हिस्सा लैण लई मोटर गड्डियां उत्ते सवार होकर जा रहे हैं, या आनंदपुर साहिब का जोड़ मेला जो लगता है, या फतेहगढ़ साहिब के जोड़ मेले बहुत श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा नाल आते हैं। मुहांदरा, मुहांदरा आप शक्ल कह दें होंगे ना, नवीं उसारियां ने पुराने शहर का मुहांदरा ही बदल के रख दिता। ठुकमानी प्रभावशाली चीज़ होंगी है जो कोई कह दें होंगे आप। तो रूपनगर दियां जिहड़ियां आपां कह सकते हैं भी सोहणे सोहणे दृश्य ने कुदरती, उह इस दी ठुक नूं होर भी बणाउंदे हन। सैर सपाटा घूमना फिरना, रूपनगर दे विच बहुत सारे लोग सैर सपाटा करन आउंदे हन। फासला बच्चों, फासला आपां दूरी नूं कह दिंदे हां, जिवें फगवाड़ा जलंधर तो 20 किलोमीटर दे फासले ते है। चिन्ह लक्षण हुंदे ने, संकेत हुंदे ने। आपां कह सकते हैं भी रोपड़ तो बहुत सारे पुराने चिन्ह मिले, सिक्के मिले, है ना। वहीरा, वहीरा आप कह दें होंगे सफर उत्ते जो लोग जाते हैं, भीड़ होंगी है होले महल्ले के मेले में शामिल होने लई लोग वहीरा घत के आनंदपुर साहिब पहुँचे, या नैणा देवी जाने वाली वहीरा रोपड़ विचों लंघ के जांदियां हन। श्रद्धालु, बहुत सारे श्रद्धालु आप कह दें भट्ठा साहिब विखे मत्था टेकन आते हैं। ठीक है बच्चों, आप प्रश्न उत्तर भी कर ले, औखे शब्दों के अर्थ भी कर ले, वाकों में भी वरतों कर ले आप, है ना। तो मैं उम्मीद है कि तुम बहुत चंगी तरह पाठ में सुने है, तो जरूर इतने जाके तुम देखना है। सुनने समझने लई बच्चों तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।